हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वार्म वेलकम वेलकम टू ऑल टू ऑल ऑफ यू। ऑफ वेलकम टू यू। द क्लास। सो जैसे कि जैसे कि आप आप लोग को लोग को पता है पता कि है कि हम हम लोग लोग का का वन वन शॉट शॉट लेक्चर लेक्चर सीरीज सीरीज चल रहा है, चल रहा है, जिसमें जिसमें ऑलरेडी ऑलरेडी हम हम लोगों लोगों ने ने बहुत बहुत सारे सारे यूनिट्स यूनिट्स का का वन वन शॉट शॉट देख देख लिया लिया है, है, और और जिनका जिनका वन वन शॉट शॉट अपलोड अपलोड नहीं नहीं हुआ हुआ है, है, उनका उनका वन वन शॉट शॉट ऑलरेडी ऑलरेडी अवेलेबल अवेलेबल है है, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट में में जाकर जाकर अगर अगर आप आप देखोगे देखोगे तो तो आपको आपको वहां वहां पर पर मिल मिल जा जा रहा रहा है। है। तो तो अगर अगर आप आप प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट चेक चेक करोगे करोगे तो तो वहां वहां पर पर आपको आपको यूनिट यूनिट वन, वन, यूनिट यूनिट टू, टू, यूनिट यूनिट थ्री, थ्री, फोर, फोर, फाइव, फाइव, सिक्स, सिक्स, सेवन, सेवन, एक एक जेनेटिक्स जेनेटिक्स जो जो है है जेनेटिक्स जेनेटिक्स का का नहीं नहीं है, है, एट्थ एट्थ यूनिट यूनिट का, का, नाइन्थ नाइन्थ का का आज आज अपलोड अपलोड हो हो जाएगा जाएगा टेंथ, टेंथ, इसके इसके अलावा अलावा इलेवेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ ट्वेल्थ का का नहीं नहीं है, है, दैट दैट इज इज अप्लाइड अप्लाइड बायोलॉजी, बायोलॉजी, एंड एंड थर्टीन, थर्टीन, थर्टीन थर्टीन का का जो जो मेन मेन पॉइंट्स पॉइंट्स हैं हैं वो वो अवेलेबल अवेलेबल है है वहाँ वहाँ पर पर उस उस प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट में, में, उनका उनका लेक्चर लेक्चर है। है। तो तो आपकी आपकी जो जो मेनली मेनली बची बची हैं हैं वो वो यूनिट यूनिट नाइन नाइन जेनेटिक्स जेनेटिक्स और और अप्लाइड अप्लाइड बायोलॉजी बायोलॉजी बची बची हैं। हैं। यूनिट यूनिट नाइन नाइन आज आज कवर कवर हो हो जाएगी। जाएगी। जेनेटिक्स जेनेटिक्स में में मैं मैं आपको, आपको, क्योंकि क्योंकि जेनेटिक्स जेनेटिक्स में में ना ना थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल वन वन शॉट शॉट लेके लेके आऊंगी आऊंगी मैं, मैं, उससे उससे आपको आपको कोई कोई बेनिफिट बेनिफिट नहीं नहीं होगा। होगा। जेनेटिक्स जेनेटिक्स में में क्वेश्चन क्वेश्चन अप्रोच अप्रोच समझ समझ में में आनी आनी चाहिए, चाहिए, क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्विंग सॉल्विंग एबिलिटी एबिलिटी आपकी आपकी कैसी कैसी है। है। तो तो इसलिए इसलिए आई आई थॉट थॉट कि कि जेनेटिक्स जेनेटिक्स में में हम हम लोग लोग क्या क्या करेंगे, करेंगे, 2021, 22, 23 और 20 के जो जो प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं हैं वो वो लेके लेके आऊंगी आऊंगी मैं मैं और और उनको उनको सोल्व सोल्व करेंगे, करेंगे, ठीक ठीक है। है। और और अप्लाइड अप्लाइड बायोलॉजी बायोलॉजी में में मेन मेन टॉपिक्स टॉपिक्स करवाऊंगी करवाऊंगी मैं मैं आपको, आपको, बायो बायो रेमेडिएशन, रेमेडिएशन, फाइटो फाइटो रेमेडिएशन, रेमेडिएशन, इसके इसके अलावा अलावा एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, प्लांट प्लांट और और टिश्यू टिश्यू कल्चर, कल्चर, ठीक ठीक है। है। तो तो ये ये आपके आपके लेक्चर लेक्चर जहाँ जहाँ तक तक है, है, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबली मैं मैं 25 25 से से पहले पहले अपलोड अपलोड कर कर दूंगी दूंगी मैं, मैं, 21 21 को को जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबली अपलोड अपलोड हो हो जाएगा। जाएगा। डिले डिले हुआ हुआ तो तो 22, 22, अदरवाइज अदरवाइज 21 21 को को तो तो पक्का पक्का है है कि कि अपलोड अपलोड हो हो जाएगा। जाएगा। डिले डिले हुआ हुआ तो तो 22 22 फिर फिर लास्ट लास्ट हो हो जाएगा जाएगा अपलोड। अपलोड 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 अप्लाइड अप्लाइड बायोलॉजी बायोलॉजी भी भी आपका आपका 24 24 को को अपलोड अपलोड हो हो जाएगा, जाएगा, अप्लाइड अप्लाइड बायोलॉजी बायोलॉजी का का भी भी लेक्चर। लेक्चर। तो तो आपके आपके 25 25 से से पहले पहले आपके आपके पास पास में में सारे सारे वन वन शॉट शॉट लेक्चर्स लेक्चर्स होंगे। होंगे। तो तो एक एक बार बार आप आप लोग लोग इनको इनको देख देख के के जरूर जरूर जाना, जाना, रिवाइज रिवाइज करके करके जाना, जाना, क्योंकि क्योंकि अगर अगर एक एक वन वन शॉट शॉट लेक्चर लेक्चर से से भी भी अगर अगर आपके आपके एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन लग लग रहा रहा है है तो तो भी भी आपके आपके लिए लिए बहुत बहुत बेनिफिट बेनिफिट है है ना। ना। तो तो आज आज के के इस इस लेक्चर लेक्चर में में मैं मैं आपको आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टॉपिक्स करवाऊंगी करवाऊंगी जिनसे जिनसे क्वेश्चन क्वेश्चन जो जो है है मोस्टली मोस्टली पूछे पूछे जाते जाते हैं। हैं। मेनली मेनली मैं मैं आज आज के के लेक्चर लेक्चर में में आपको आपको एनिमल एनिमल किंगडम किंगडम और और प्लांट प्लांट किंगडम किंगडम के के बारे बारे में में करवाऊंगी करवाऊंगी मेनली। मेनली। तो तो चलिए चलिए स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं। हैं। और और जिन जिन बच्चों बच्चों को को पीडीएफ पीडीएफ चाहिए चाहिए इसके इसके वो वो टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल चैनल ज्वाइन ज्वाइन कर कर लेना, लेना, टेलीग्राम टेलीग्राम का का लिंक लिंक जो जो है है वो वो आपको आपको मिल मिल जाएगा, जाएगा, चैनल चैनल के के डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में में आपको आपको लिंक लिंक मिल मिल जाएगा, जाएगा, वहां वहां से से आप आप टेलीग्राम टेलीग्राम ज्वाइन ज्वाइन करना, करना, और और अगर अगर आपको आपको कोई कोई भी भी डाउट डाउट हो हो आप आप टेलीग्राम टेलीग्राम पे पे मैसेज मैसेज ड्रॉप ड्रॉप कर कर देना, देना, ठीक ठीक है। है। और और कोई कोई क्वेरी क्वेरी हो हो तो तो मेल मेल आईडी आईडी जो जो है है वो वो भी भी आपको आपको मिल मिल जाएगी जाएगी चैनल चैनल की की डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में, में, वहां वहां पर पर मेल मेल भी भी आप आप डाल डाल सकते सकते हो, हो, ठीक ठीक है। है। कोई कोई क्वेरी क्वेरी है है किसी किसी क्वेश्चन क्वेश्चन में में या या कोई कोई और और इशू इशू है, है, वहां वहां पर पर आप आप डाल डाल सकते सकते हो, हो, मेल मेल आईडी आईडी वहां वहां पर पर अवेलेबल अवेलेबल है, है, और और पीडीएफ पीडीएफ चाहिए चाहिए तो तो टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल चैनल ज्वाइन ज्वाइन कर कर लेना। लेना। सो सो यहाँ यहाँ पर पर सबसे सबसे पहले पहले सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन आपने आपने ध्यान ध्यान रखना रखना है। है। तो तो सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ध्यान ध्यान रखने रखने के के लिए लिए देखिए देखिए यहाँ यहाँ पर, पर, और और पूरा पूरा आपको आपको एक एक हायरार्की हायरार्की याद याद रखनी रखनी है है कि कि पहले पहले डोमेन डोमेन आएगा, आएगा, डोमेन डोमेन के के बाद बाद किंगडम किंगडम आएगा, आएगा, किंगडम किंगडम के के बाद बाद सब सब किंगडम किंगडम आएगा, आएगा, सब सब किंगडम किंगडम के के बाद बाद ब्रांच, ब्रांच, ब्रांच ब्रांच के के बाद बाद ग्रेड, ग्रेड, ग्रेड ग्रेड के के बाद बाद डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन डिवीजन के के बाद बाद सब सब डिवीजन, डिवीजन, सुपर सुपर फाइलम, 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 सब सब फाइलम, फाइलम, सुपर सुपर क्लास, 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 सब सब क्लास, क्लास, इंफ्रा इंफ्रा क्लास, क्लास, सुपर सुपर ऑर्डर, 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 सब सब ऑर्डर, ऑर्डर, सेक्शन, सेक्शन, सुपर सुपर फैमिली, 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 सब सब फैमिली, फैमिली, ट्राइब, ट्राइब, सुपर सुपर जीनस, 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 सब सब जीनस, जीनस, सुपर सुपर स्पीसीज, 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 वैरायटी वैरायटी एंड एंड फॉर्म फॉर्म और और रेक्स। रेक्स। ये ये आपको आपको पूरा पूरा हायरार्की हायरार्की याद याद रखना रखना है। है। अब अब आप आप बोलोगे बोलोगे मैम मैम इस इस हायरार्की हायरार्की को को याद याद रखते रह जाएंगे हम लोग तो एग्जाम से पहले।
प्लांटे और एनिमलिया। ये किंगडम आपके आपके पांच हो पांच गए, हो ठीक गए। है? ये ये मैंने मैंने बता बता दिया दिया आपको, आपको, ध्यान ध्यान रखिएगा। रखिएगा। इसको इसको मैं मैं इरेज इरेज कर कर देती देती हूँ हूँ अभी। अभी। तो तो ट्रिक ट्रिक कैसे कैसे ध्यान ध्यान रखोगे? रखोगे? डॉक्टर डॉक्टर कुमार कुमार शर्मा शर्मा बीजी बीजी डी। डी। अब अब इसको इसको अगर अगर आप आप डिकोड डिकोड करोगे करोगे तो तो डी डी का का मतलब मतलब निकलेगा निकलेगा यहाँ यहाँ से से क्या? क्या? डी डी का का मतलब मतलब होगा होगा डॉक्टर, डॉक्टर, के के का का मतलब मतलब होगा होगा कुमार, कुमार, ठीक ठीक है? है? डी डी का का मतलब मतलब होगा होगा डॉक्टर डॉक्टर कुमार कुमार शर्मा शर्मा बीजी बीजी डी। डी। डी डी यानी यानी डोमेन, डोमेन, डी डी क्या क्या है है यहाँ यहाँ पर पर आपका आपका डोमेन, डोमेन, के के का का मतलब मतलब किंगडम, किंगडम, एस एस का का मतलब मतलब सब सब किंगडम, किंगडम, बी का बी का मतलब मतलब ब्रांच, ब्रांच, जी जी का का मतलब मतलब ग्रेड ग्रेड, ब्रांच, ब्रांच, फिर फिर कौन कौन सी सी ब्रांच ब्रांच है? है? कौन कौन सी, सी, जैसे जैसे आप आप मान मान लो लो कि कि आप आप बायोटेक बायोटेक में में हो, हो, आपका आपका ग्रेड ग्रेड क्या क्या आया आया है? है? ग्रेड ग्रेड मान मान लो लो आपके आपके 8 पॉइंट8 पॉइंट आया आया है, है, फिर फिर आपका आपका डिवीजन डिवीजन क्या क्या है? है? फर्स्ट फर्स्ट है, है, सेकेंड सेकेंड या या थर्ड थर्ड है? है? इस इस तरीके तरीके से से ध्यान ध्यान रख रख सकते सकते हो, हो, है है ना? ना? ब्रांच, ब्रांच, ग्रेड, ग्रेड, डिवीजन। डिवीजन। तो तो ये ये हायरार्की हायरार्की ध्यान ध्यान रखने रखने का का ये ये ट्रिक ट्रिक है। है। डी के एस एस डी डी जी जी डी, डी, डोमेन डोमेन किंगडम, किंगडम, सब सब किंगडम, किंगडम, फिर फिर उसके उसके बाद बाद में में ब्रांच, ब्रांच, ग्रेड ग्रेड और और डिवीजन। डिवीजन। यहां यहां तक तक याद याद हो हो गया गया इस इस ट्रिक ट्रिक से? से? यहां यहां तक तक है है ना? ना? एक एक और और चीज चीज मैं मैं बता बता दूं, दूं, आप आप कई कई जगह जगह पढ़ोगे पढ़ोगे जैसे जैसे सुपर सुपर क्लास, क्लास, सब सब क्लास, क्लास, ठीक ठीक है? है? जैसे जैसे मैं मैं एक एक एग्जांपल एग्जांपल लेती लेती हूँ, हूँ, सुपर सुपर क्लास क्लास है है ना? ना? तो तो सुपर सुपर क्लास क्लास सुपर यानी यानी सबसे सबसे ऊपर ऊपर होगी, होगी, बीच बीच में में क्लास क्लास और और फिर फिर सब सब क्लास क्लास है है ना? ना? केवल केवल अगर अगर मैं मैं आपको आपको बोल बोल दूँ दूँ क्लास, क्लास, तो तो इसको इसको ऐसे ऐसे होगा, होगा, ये ये सुपर सुपर क्लास क्लास सबसे सबसे पहले पहले रखोगे रखोगे आप, आप, फिर फिर क्लास क्लास रखोगे, रखोगे, फिर फिर सब सब क्लास क्लास रखोगे। रखोगे। यानी यानी सुपर सुपर सबसे सबसे ऊपर ऊपर होगा, होगा, सब सब सबसे सबसे नीचे नीचे होगा, होगा, ठीक ठीक है? है? ये ये क्यों क्यों बताया बताया मैंने मैंने आपको? आपको? अब अब इतना इतना तो तो आपको आपको ध्यान ध्यान हो हो गया। गया। डॉक्टर डॉक्टर कुमार कुमार शर्मा शर्मा बीजी बीजी डी। डी। डी डी यानी यानी डोमेन, डोमेन, के के यानी यानी किंगडम, किंगडम, एस एस यानी यानी सब सब किंगडम, किंगडम, बी बी यानी यानी ब्रांच, ब्रांच, ग्रेड, ग्रेड, डिवीजन। डिवीजन। आगे आगे देखिए, देखिए, आगे आगे ये ये इतना इतना वाला वाला पोर्शन पोर्शन कैसे कैसे याद याद रखोगे? रखोगे? यहाँ यहाँ तक। तक। इसके इसके लिए लिए ट्रिक ट्रिक है, है, अब अब मैं मैं पूरी पूरी यहाँ यहाँ तक तक बता बता देती देती हूँ हूँ आपको आपको ट्रिक, ट्रिक स्पीसीज स्पीसीज तक तक की। की। पीसी, पीसी, जैसे जैसे पीसी पीसी बोलते हैं बोलते ना हैं पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर, कंप्यूटर, पीसीओ। पीसीओ। पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर कौन कौन सा सा है? है? एक एक कंपनी कंपनी है है जिसका जिसका नाम नाम आप आप पढ़ते पढ़ते हो हो ना, ना, टीसीएस। टीसीएस। टीसीएस टीसीएस की की जगह जगह टीजीएस टीजीएस कंपनी कंपनी याद याद रख रख लो, लो, पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर ऑफ ऑफ टीजीएस। टीजीएस। इतने इतने से से आपका आपका जितना जितना बाकी बाकी का का बचा बचा हुआ हुआ हायरार्की हायरार्की है है पूरा पूरा कंप्लीट कंप्लीट हो हो जाएगा। जाएगा। कैसे? कैसे? देखिए, देखिए, पी पी का का मतलब मतलब होता होता है है फाइलम। फाइलम। पी का पी का मतलब क्या मतलब होता क्या है? होता है? फाइलम। फाइलम। सी सी का का मतलब मतलब होता होता है है क्लास। क्लास। ओ ओ का का मतलब मतलब होता होता है है ऑर्डर। ऑर्डर। पी का पी का मतलब मतलब फाइलम फाइलम क्लास क्लास ऑर्डर। ऑर्डर। एफ एफ का का मतलब मतलब है है फैमिली। फैमिली। टी टी का का मतलब मतलब है है ट्राइब। ट्राइब। जी जी का का मतलब मतलब है है जीनस जीनस और और एस एस का का मतलब मतलब है है स्पीसीज। स्पीसीज। और ये ट्रिक ट्रिक में में एक एक ब्लैंक ब्लैंक स्लाइड स्लाइड लेती लेती हूँ, हूँ, वहां वहां पर पर मैं मैं आपको आपको समझाती समझाती हूँ, हूँ, या या फिर फिर यहाँ यहाँ देख देख लेते लेते हैं हैं कहीं कहीं पर पर अगर अगर स्पेस स्पेस मिल मिल जाए जाए तो तो अपने अपने को। को। यहाँ यहाँ देखो, देखो, यहाँ यहाँ समझा समझा सकते हो। सकते हो। देखो देखो ट्रिक ट्रिक क्या क्या याद याद की? की? ट्रिक ट्रिक यहाँ यहाँ लिखवा लिखवा दे दे रही रही हूँ हूँ इस इस साइड। साइड। ट्रिक ट्रिक जो जो हमने हमने याद याद की की अभी अभी हायरार्की हायरार्की को को याद याद रखने रखने की, की, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक हायरार्की हायरार्की को, को, डॉक्टर डॉक्टर कुमार कुमार शर्मा शर्मा बीजी बीजी डी। डी। डी डी का का मैंने मैंने बताया बताया आपको आपको क्या? क्या? डोमेन। डोमेन। के के का का बताया बताया किंगडम, किंगडम, फिर फिर बताया बताया मैंने मैंने आपको आपको सब सब किंगडम, किंगडम, फिर फिर बताया बताया मैंने मैंने आपको आपको ब्रांच, ब्रांच, फिर फिर बताया बताया मैंने मैंने आपको आपको ग्रेड, ग्रेड, फिर फिर पढ़ा पढ़ा हमने हमने डिवीजन। डिवीजन। उसके उसके बाद बाद एक और एक और मैंने मैंने बताया बताया पीसी पीसी यानी यानी पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर ऑफ ऑफ टीसीएस टीसीएस कंपनी कंपनी ना ना लिख लिख के के टीजीएस टीजीएस कंपनी, कंपनी, जहाँ जहाँ पी पी का का मतलब मतलब क्या क्या है? है? पी पी का का मतलब मतलब है है फाइलम। फाइलम। और और ये ये तो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है है पीसी पीसी ऑफ ऑफ टीजीएस, टीजीएस, है है ना? ना? सी सी यानी यानी क्लास, क्लास, ओ ओ यानी यानी ऑर्डर, ऑर्डर, एफ एफ यानी यानी फैमिली, फैमिली, टी यानी यानी ट्राइब, ट्राइब, जी यानी यानी जीनस, जीनस, एस यानी यानी स्पीसीज। स्पीसीज। अब मैंने अब एक मैंने चीज एक चीज बताई बताई थी थी आपको आपको कि कि सुपर सुपर ऊपर ऊपर लिखोगे, लिखोगे, सब सब नीचे नीचे लिखोगे, लिखोगे, बीच बीच में में जैसे जैसे क्लास क्लास हो हो तो तो बीच बीच में में क्लास क्लास फाइलम फाइलम है है तो तो फाइलम। फाइलम। तो तो यहाँ यहाँ पर पर नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आपका फाइलम फाइलम आ आ रहा रहा है, है, ये ये लिख लिख दिया दिया मैंने मैंने फाइलम। फाइलम। लेकिन लेकिन फाइलम फाइलम से से पहले पहले क्या क्या आएगा? आएगा? फाइलम फाइलम से से पहले पहले आएगा आएगा सुपर सुपर फाइलम। फाइलम।
और यहाँ पर ना सब क्लास के बाद एक और क्लास आती है एक्स्ट्रा, आप ध्यान रख लेना इसको, इंफ्रा क्लास, जिसको आप कोहर्ट भी बोलते हो, क्या बोलते हो, कोहर्ट, ये ध्यान रखना। फिर है ऑर्डर, तो ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहले सुपर ऑर्डर, फिर आएगा आपका ऑर्डर, फिर आएगा आपका सब ऑर्डर, फिर टी यानी ट्राइब, ट्राइब अकेला ही है, फिर वही सेम सुपर जीनस, जीनस, सब जीनस, फिर सेम स्पीसीज के साथ सुपर स्पीसीज, स्पीसीज, सब स्पीसीज। क्लियर है? इतना ट्रिक अगर आपको ध्यान है, डॉक्टर कुमार शर्मा, BZD, और ये इंपॉर्टेंट है, पीसी ऑफ टीजीएस, पर्सनल कंप्यूटर ऑफ टीजीएस कंपनी, ठीक है? टीसीएस सुने ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, कंपनी का नाम सुना होगा आपने, तो टीसीएस की जगह टीजीएस याद रख लेना। और वहां पर कंप्यूटर पे बैठ के सब काम करते, तो पर्सनल कंप्यूटर ऑफ टीजीएस। तो सुपर फाइलम, फाइलम सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास सब क्लास, और एक कोहर्ट आ जाता है बीच में, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली सब फैमिली, ट्राइब, सुपर जीनस, जीनस सब जीनस, सुपर क्लास, सुपर स्पीसीज, स्पीसीज सब स्पीसीज। ये हो गया आपको याद, कितना इजी सा है ना? सो डोमेन, डोमेन के बाद किंगडम, किंगडम के बाद सब किंगडम, फिर ब्रांच, फिर ग्रेड, डिवीजन, सब डिवीजन, पूरा आपको याद हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं पर अगर फैमिली आपने पहचाननी है तो फैमिली के पीछे ना IDAE लगा होगा, ये चीज आप ध्यान से नोट कर लेना, जिसके पीछे IDA है वो फैमिली है, ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, एक बार यहां पर मैं लिख देती हूँ आपकी ट्रिक, क्या बताई थी मैंने, पीसी ऑफ टीजीएस। ये बोल रहे हैं कि ट्राइब किन के बीच में है, तो ट्राइब आप देखो, एफ और जी के बीच में टी है, यानी ट्राइब है, जी आपका होता है जीनस, एफ आपका होता है फैमिली, यानी आपका जो ट्राइब है फैमिली और जीनस के बीच में है, तो इसका हो जाएगा सेकेंड। तो टैक्सोनॉमी ग्रुप को कैसे रिकॉग्नाइज, किस किस के बीच में है, ये आपको याद हो गया ये वाला। अगला देखिए, यहां पर देखिए, सबसे पहले किंगडम और फाइलम, तो अगर आप देखोगे इन्होंने डोमेन नहीं लिखा, डोमेन के बाद सीधा किंगडम दिया इन्होंने, किंगडम के बाद सीधा फाइलम दिया, बीच वाले मिसिंग है यहाँ पर, तो देख लेते हैं किंगडम के बाद फाइलम, इसमें भी किंगडम के बाद फाइलम, किंगडम के बाद फाइलम, किंगडम के बाद फाइलम, तो हम क्या करेंगे, हम फाइलम के बाद के ही देखेंगे अभी यहाँ पर। तो फाइलम के बाद की ट्रिक क्या थी, फाइलम, फिर उसके बाद में क्या था, क्लास, क्लास में एक सुपर क्लास थी, एक सब क्लास थी, और एक कोहर्ट था जिसको इंफ्रा क्लास आप बोल रहे थे, तो एक कोहर्ट था, इसके बाद फिर क्या था, पीसी ओ, ऑर्डर सब, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर सब ऑर्डर, पीसी ऑफ टी जी एस, है ना? तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका किंगडम, फाइलम, फिर है इन्होंने दिखा, फाइलम के बाद आता है सब फाइलम, बिल्कुल फाइलम के बाद सब फाइलम आता है, फिर नेक्स्ट है क्लास, क्लास से पहले सुपर क्लास, सुपर क्लास के बाद सब क्लास, ये भी करेक्ट है, सब क्लास के बाद कोहर्ट, ये भी करेक्ट है, फिर इन्होंने सुपर ऑर्डर नहीं दे रखा, सुपर ऑर्डर के बाद सीधा दे दिया ऑर्डर, बिल्कुल ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर आता है, करेक्ट है, सुपर फैमिली के बाद सब फैमिली, ये भी करेक्ट है, फिर जीनस के बाद सब जीनस, जीनस सब जीनस के बाद, जीनस के बाद सब जीनस, करेक्ट है, और जीनस के बाद आता है स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज, ये करेक्ट है एब्सोल्युटली। अगला देखिए, फाइलम के बाद सब फाइलम, करेक्ट है, सब फाइलम के बाद बोल रहे हैं कोहर्ट, और कोहर्ट के बाद सुपर क्लास, नहीं सुपर क्लास के बाद कोहर्ट है, गलत, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, सही है, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद कोहर्ट, नहीं ऑर्डर से पहले कोहर्ट, इसके बाद नेक्स्ट है किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद कोहर्ट, कोहर्ट के बाद फैमिली, कोहर्ट के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद ऑर्डर, नहीं ऑर्डर पहले आएगा फैमिली बाद में आएगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा ए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, Which of the following is a correct hierarchical sequence for classifying a living organism? Domain के बाद kingdom, ठीक है सब में यही है, domain के बाद kingdom, D के, domain के बाद kingdom, इसमें kingdom के बाद domain है, गलत है, domain के बाद kingdom सही है, kingdom के बाद domain गलत है, अब दो ऑप्शन ही देखने हमने, फिर फाइलम,
फाइलम क्लास, फिर पीसी ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, पीसी ऑफ टी ट्राइब, जीनस और स्पीसीज, है ना। तो फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ट्राइब सब में मिसिंग है ट्राइब, तो ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस के बाद स्पीसीज, बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन देखिए, फाइलम के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, नहीं फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, तो ये गलत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको केवल सीक्वेंस ध्यान रखना है ट्रिक के थ्रू जो मैंने अभी आपको याद दिलाया। इससे एक दो क्वेश्चन और पूछा गया, मैं तीन क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आई हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एक पर्टिकुलर चार्ट से। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि डोमेन आपके कौन से होते हैं, तीन होते हैं, एक होता आपका बैक्टीरिया, एक होता आर्किया और एक होता आपका यूकेरिया। किंगडम आपके पांच होते हैं, कौन कौन से पांच किंगडम होते हैं दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए पांच होते हैं किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिया। मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे यूकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा में कोई सेल नहीं होती, प्रोटिस्टा में होती हैं कुछ सेल, फंगस में सेल वॉल होगी लेकिन विदाउट सेल्यूलोज, प्लांट में सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है सेल वॉल, एनिमल्स में तो होती नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा प्रोटिस्टा का सेलुलर होगा, फंगस का मल्टी सेलुलर, प्लांट और एनिमिलिया का ऑर्गन लेवल तक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात करें तो मोनेरा ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होगा, सेम विद प्रोटिस्टा, फंगस हेटरोट्रॉफिक होगी और एनिमिलिया हेटरोट्रॉफिक होगा, प्लांट का आपको पता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो पांच तरीके के किंगडम होते हैं। किंगडम के बाद फिर हम बात करेंगे, मेन जो अपना टॉपिक आता है वो आता है फाइलम, तो हम लोग 11 फाइलम के बारे में बात करेंगे, 11 फाइलम। और ये फाइलम की भी हायरार्की आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी ना, इसके लिए कोई ट्रिक है, आपको ये केवल मगअप करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, चार पांच बार बोलोगे याद हो जाएगी। देखो कौन कौन से 11 फाइलम है, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटे हेलमेंथस, एस्केल हेलमेंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हामिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। कैसे ध्यान रखोगे, पीसीसी, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथस, एसके हेलमिंथस, दोनों में एसके हेलमिंथस, हेलमिंथस है दोनों में, तो प्लेटी हेलमिंथस, एसके हेलमिंथस, फिर ए ए एनालिडा मोलेस्का, फिर एम ई मोलेस्का एकाइनोडर्मेटा, फिर हामिकोर्डेटा कोर्डेटा, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथस, एस्केल हेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलेस्का, एकाइनोडर्मेटा, हामिकोर्डेटा, कोर्डेटा। एक बार और देख लेते हैं, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, नाइडेरिया को आप सिलेंट्रेटा भी बोलते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा भी बोलते हो क्योंकि सिलेनोसाइट सेल होती है इसमें, इसलिए इसको सिलेंट्रेटा बोलते हो। तो दोबारा देखो, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, पोरिफ्रा के बाद नाइडेरिया, नाइडेरिया के बाद टीनोफोरा, पोरिफ्रा के बाद नाइडेरिया, नाइडेरिया के बाद टीनोफोरा। कैसे ध्यान रखोगे, नाइन, नाइन होता है ना, नाइन के बाद फिर टेन आता है, फिर टीनो, ठीक है, टेन, तो पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, फिर प्लेटी हेलमेंथस, एस्केल हेलमेंथस, पी ए, प्लेटी हेलमेंथस, एस्केल हेलमेंथस, फिर डबल ए, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, जैसे एन पहले आता ना, आर से पहले, तो एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, ठीक है, फिर मोलेस्का, एम ई मोलेस्का, एकाइनोडर्मेटा, हामिकोर्डेटा, कोर्डेटा। क्लियर, एक बार और देख लेते हैं, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथस, एस्केल हेलमेंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलेस्का, एकाइनोडर्मेटा, हामिकोर्डेटा, कोर्डेटा। एक बार और बोलो, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथस, एस्केल हेलमेंथस, प्लेटी हेलमेंथस, एस्केल हेलमेंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलेस्का, एकाइनोडर्मेटा, हामिकोर्डेटा, कोर्डेटा। अब आंख बंद करके एक बार रिवाइज करो, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथस, एस्केल हेलमेंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलेस्का, एकाइनोडर्मेटा, हामिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। हो गया सबको याद। अब यहां पर इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं अलग अलग बेसिस पर। पहला जो इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सबसे पहले ना आपके पोरिफ्रा आए थे, ठीक है,
तो पोरिफ्रा सबसे पहले आए थे, तो पोरिफ्रा में केवल सेल्स ही मिले। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो नाइडेरिया और टीनोफोरा, इनमें टिश्यू बन गए, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बन गए। आपको पता है ना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद क्या आता है? प्लेटे हेलमेंथस। प्लेटी हेलमेंथस में ऑर्गन बन, फिर प्लेटी हेलमेंथस के बाद क्या आता है? एस्केल हेलमेंथस। एस्केल हेलमेंथस से लेके कोर्डेटा तक जितने भी हैं, एस्केल हेलमेंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलेस्का, इखाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? पोरिफ्रा में। टिश्यू लेवल? नाइडेरिया, टीनोफोरा में। प्लेटी हेलमेंथस में कौन सा होता है? ऑर्गन। और बाकी जितने भी बचे एस्केल हेलमेंथस से लेके कोर्डेटा तक, सब में ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी प्लान के बारे में। बॉडी प्लान जो है, पोरिफ्रा सबसे पहले आया था, तो इसमें सेल एग्रीगेट होते हैं, सेल्स ही होंगे इसमें। इस तरीके से कोई इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, जैसे हम में क्या होता है? एनिमल एलिमेंट्री कैनाल होती है इस तरीके से, है ना, पूरी प्रॉपर, है ना, इस तरीके से। यहां पर माउथ होगा अपना, यहां से फूड इनटेक होगा, यहां फिर एनस होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब के जैसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, विद इन ट्यूब। किसमें होता है? एस्केल हेलमेंथस से लेके कोर्डेटा तक, और एस्केल हेलमेंथस से लेके कोर्डेटा तक ही ऑर्गन सिस्टम था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा वाला जो होता है जिनमें मुंह से खाना लिया गया इन और एनस से आउट, ये होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ये आपका एस्केल हेलमेंथस से लेके कोर्डेटा तक होता है, और पोरिफ्रा में तो होता ही नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चे बीच वाले कौन से? नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटे हेलमेंथस। तो नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटे हेलमेंथस में क्या होता है ना, इस तरीके से एक सैक सा होता है, बैलून जैसा। तो बैलून में क्या होता है? हवा वहीं से भरती है और वहीं से निकलती है, तो खाना यहीं से खाते हैं, यहीं से आउट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है कि यहीं से खा रहे हैं, यहीं से बाहर जा रहा खाना, तो ये तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक, जो कि नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथस में होता है। दोबारा देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पोरिफ्रा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, नाइडेरिया, टीनोफोरा में टिश्यू लेवल, प्लेटी हेलमेंथस में ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम एस्केल हेलमेंथस से कोर्डेटा। एक और पॉइंट हमें पता चला कि एस्केल हेलमेंथस से लेके कोर्डेटा तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसको आप ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हो। प्लेटी और इन तीनों में कैसा होता है? इन तीनों में ब्लाइंड सैक होता है, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, है ना। आगे बात यहां पर क्लासिफिकेशन किया गया सिमेट्री के बेसिस पर। सिमेट्री जो है, पोरिफ्रा तो एसिमेट्रिक होता है। पोरिफ्रा को आप दो इक्वल टुकड़ों में तोड़ ही नहीं सकते। दो का मतलब, जैसे आप यहाँ पर आपने तरबूज लिया, तरबूज के बीचों बीच आपने क्या किया, छुरी से काटा, बीच में से दो इक्वल टुकड़ों में टूट गया, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, तो ये होता आपका दो इक्वल हाफ में टूटना। लेकिन पोरिफ्रा तो ऐसा होता ही नहीं है, पोरिफ्रा तो दो इक्वल हाफ में टूटता ही नहीं है, तो पोरिफ्रा तो एसिमेट्रिक होता है। बाकी भी दो तरीके की, रेडियल और बाइलेटरल। जैसे अगर मैं यहाँ पर, अगर आप में से किसी एक का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाऊ, कोई इस तरीके से, आप ऐसे ही दिखते हो कुछ कुछ, मतलब अज्यूम करो, ऐसे तो नहीं दिखते, ह्यूमन ऐसा ही दिखता है। लेट सपोज इसका नाम है निधि, ठीक है। अब निधि को अगर मैं बीचों बीच से, अगर मैं यहां से इसको कट करूं, तो इधर देखिए, इधर एक पैर जाएगा, इधर एक हाथ जाएगा, एक आंख जाएगी, है ना, इधर एक आंख जाएगी, छोटा सा इसका लिप जाएगा, एक कान जाएगा, एक हाथ, मतलब बराबर इक्वल हाफ में जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल, यानी दो टुकड़ों में टूटना। ये आपकी होती है कहां से कहां? प्लेटी हेलमेंथस से लेके कोर्डेटा तक बाइलेटरल है, कि उनकी बॉडी को अगर आप काटोगे ना बीच में से, बीचों बीच में से, तो दो इक्वल टुकड़ों में टूट जाएगी। ये आपकी प्लेटी हेलमेंथस से लेके किसमें होती है? कोर्डेटा में। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर इन दो, इनमें क्या होता है, इन तीनों में ब्लाइंड सैक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है ना, और इसमें होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, कंप्लीट होता है इनमें। अब हमने बात किया बाइलेटरल सिमेट्री, तो बाइलेटरल सिमेट्री इनमें तो होता ही होता है बाइलेटरल,
कि बीच में से बीचों बीच में से कट करोगे तो इक्वल टुकड़ों में टूट जाएगा। प्लेटी हेलमिंथस में भी बाइलेटरल सिमेट्री होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी जो बचा नाइडेरिया टीनोफोरा, नाइडेरिया और टीनोफोरा में होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल यानी इनको इधर से तोड़ लो या फिर इधर से कट कर लो या फिर इधर से कहीं से भी कट कर लो। मान लो आपका मन के इधर से तोड़ूंगा मैं तो भी दो इक्वल हाफ में टूटेगा। आपका मन के इधर से काटूंगा तो भी इक्वल हाफ में, इधर से मन किया तो भी इक्वल हाफ में। इनको कहीं से भी कट करो इक्वल हाफ में टूटेंगे। ऐसे सिमेट्री होते रेडियल सिमेट्री जो जो कि आपके नाइडेरिया और टीनोफोरा में देखने को मिलती है। क्लियर। अब यहाँ एक एक्सेप्शन आता है। जैसा मैंने कहा कि प्लेटी हेलमिंथस से लेके कोर्डेटा तक, तो प्लेटी हेलमिंथस के बाद क्या आता है एनेलिडा, एस्केल हेलमिंथस, एस्केल हेलमिंथस के बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलेस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा। यानी इकाइनोडर्मेटा में बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए। इकाइनोडर्मेटा एक एक्सेप्शन आता है कि इकाइनोडर्मेटा जब लार्वल फॉर्म में होता है, बिल्कुल बेबी होता है, बिल्कुल जब लार्वल फॉर्म में होता है तो यहाँ पर इसको बीच में से कट करोगे तो दो इक्वल हाफ में टूटेगा, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है इकाइनोडर्मेटा। लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है एडल्ट, तो फिर ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। ये आपका एक्सेप्शन है और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्लियर। नेक्स्ट जर्म लेयर के बारे में। जर्म लेयर आपने सुना होगा कि जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट भी पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा कि जो इनर सेल मास है वो तीन जर्म लेयर बनाता है। आपकी पूरी बॉडी ही तीन जर्म लेयर से मिलके बनती है। एक होता है एक्टोडर्म जो कि आउटर लेयर होगी, एक होता है बीच वाली मेसोडर्म मिडल होगी जो बोन्स कार्टिलेज बनाएगी, एक होता है एंडोडर्म जिसकी इनर लाइनिंग होगी ऑर्गन्स में। ठीक है, तो जिसमें ये तीनों जर्म लेयर हैं, तीनों यानी ट्राई, और जर्म लेयर को प्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक उनको कहेंगे। और ये तीनों जर्म लेयर किसमें होती है, प्लेटी हेलमिंथस से लेके कोर्डेटा में। प्लेटी हेलमिंथस से लेके कोर्डेटा बाइलेटरल होते हैं, एक ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज क्या क्लियर हुई, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटी हेलमिंथस तो बेचारा डाइजेस्टिव सिस्टम में मात खा गया। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अदरवाइज तो इसी में इंक्लूड हो रहा है, बायलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक में है ना। और जो जिनमें दो जर्म लेयर है, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। मेसोडर्म के, मेसोडर्म जो है ये मेसोग्लियल फॉर्म में होती है, मेसोडर्म नहीं होती। तो डिप्लो यानी दो ही जर्म लेयर, एक्टो और एंडो, ये किसमें है, नाइडेरिया और टीनोफोरा में। और पोरिफ्रा में तो बेचारे में जर्म लेयर ही प्रेजेंट नहीं होती, सबसे पिछड़ा हुआ प्राणी है पोरिफ्रा, क्योंकि धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, धीरे धीरे जर्म लेयर बने, इसलिए पोरिफ्रा में नहीं है जर्म लेयर। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो आपका सिलोमेट के फॉर्म में है। सिलोमेट क्या होता है, ये फ्लूड फिल्ड बॉडी कैविटी होती है। क्या है, फ्लूड फिल्ड बॉडी कैविटी, यानी कि एक फ्लूड भरा होता है इस तरीके से, एक मीसोडमल मीसोडमल पाउचेस यहां पर होंगे, तो सिलोम यहां भरा होगा। ठीक है, तो फ्लूड फिल्ड कैविटी होती है। तो पोरिफ्रा से लेके प्लेटी हेलमिंथस में कोई कैविटी नहीं होती, ध्यान रखेगा। पोरिफ्रा से प्लेटी हेलमिंथस, पोरिफ्रा से प्लेटी हेलमिंथस, पीपीसी सिलोम जो है पोरिफ्रा से लेके प्लेटी हेलमिंथस तक होता ही नहीं है, एसिलोमेट होते हैं ये। ट्रू सिलोम जो है, एक्चुअल जो सिलोम है वो एनालिडा से लेके कोर्डेटा तक प्रेजेंट होती है। और एक झूठी सिलोम की लेयर प्रेजेंट होती है पाउचित सेमीसोडमल, वो एस्केल हेलमिंथस में होते हैं। क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ इससे रिलेटेड आप लोगों को। अच्छा, एस्केल हेलमिंथस का मैं एग्जांपल आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, जिसे जनरली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राउंड वर्म। क्या है, राउंड वर्म। ठीक है, एस्केल हेलमिंथस का। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। अच्छा, तीन नाम आपने सुने होंगे, अर्थवर्म, राउंड वर्म, अर्थवर्म, टेपवर्म। ये किस किस के एग्जांपल है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, टेपवर्म आपका एग्जांपल है प्लेटी हेलमिंथस का, पीटी, प्लेटी हेलमिंथस का है टेपवर्म। और देखिए,
एस्केल हेलमेंथस को निमेथ हेलमेंथस भी बोलते हो, और इसका एग्जांपल है राउंड वर्म, ए आर या आर ए, ठीक है, आर ए, और इसका है पीटी यानी प्लेटी हेलमेंथस का टेप वर्म, राउंड वर्म है एस्केल हेलमेंथस का, और अर्थ वर्म किसका है, अर्थ वर्म है एनालिडा का, सो अर्थ वर्म किसका है, एनालिडा का। EAN या AE, ठीक है, ये मैंने क्यों बताया आपको पहले, इसलिए बता दिया क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया। अब देखो एस्केल हेलमेंथस का एग्जांपल क्या बताया मैंने, एस्केल हेलमेंथस का एग्जांपल हमने बताया आर ए है ना, आर ए, तो एस्केल हेलमेंथस का है राउंड वर्म, राउंड वर्म, ठीक है। प्लेटी हेलमेंथस पी का क्या बताया, पी टी, टेप वर्म, प्लेटी हेलमेंथस का एग्जांपल, और एनालिडा का क्या बताया मैंने, अर्थ वर्म, ए के साथ ई जाएगा, ठीक है, अच्छा दोनों ए है यहाँ पर, है ना, तो आर और एस करीब करीब आता है ना, आर एस, आर एस, तो यहाँ यानी कि ए एस जहां है वहां आर आएगा यानी राउंड वर्म आएगा, ठीक है। तो एस्केल हेलमेंथस का एग्जांपल है राउंड वर्म, ट्रूसिलोम, एनालिडा से कोर्डेटा, और एनालिडा का एक एग्जांपल होता है आपका ए ई, अर्थ वर्म, तीन तरीके के वर्म सुने होंगे आपने, अर्थ वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म, और पी टी, प्लेटी हेलमेंथस का टेप वर्म। तो क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर कि राउंड वर्म जो है, राउंड वर्म किसका है, राउंड वर्म है आपका एस्केल हेलमेंथस का, और एस्केल हेलमेंथस क्या होता है, स्यूडोसिलोम होता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट, राउंड वर्म एसिलोमेट तो नहीं होता क्योंकि राउंड वर्म एस्केल हेलमेंथस का एग्जांपल है, राउंड वर्म होता है आपका स्यूडोसिलोम जो कि आपके दो ऑप्शन में है। आगे बोल रहे हैं कि अर्थ वर्म, अर्थ वर्म किसका एग्जांपल, एनालिडा का, जो कि ट्रूसिलोम है, जो कि सिलोमेट है, तो ये लिख रहे हैं एसिलोमेट नहीं, ये सी ऑप्शन में देखिए, अर्थ वर्म सिलोमेट है, बिल्कुल ट्रूसिलोमेट है ये। फिर है फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म या फिर टेप वर्म, जैसे प्लेटी हेलमेंथस का ही टेप वर्म है, प्लेटी हेलमेंथस में ही फ्लैट वर्म भी आता है, ठीक है, फ्लैट फ्लैट होती है ना आपकी टेप, फ्लैट होती है बिल्कुल, टेप आपने देखी होगी फ्लैट होगी, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो फ्लैट वर्म भी आपका कैसा एग्जांपल है, फ्लैट वर्म भी प्लेटी हेलमेंथस, और प्लेटी हेलमेंथस में कोई सिलोम नहीं होती, पोरीफेरा से लेके प्लेटी हेलमेंथस, तो ये होते हैं एसिलोमेट, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ बता दिया। अब देखो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ध्यान रखिएगा, डिप्लोब्लास्टिक नाइडेरियन टीनोफोरा है, डिप्लोब्लास्टिक है, प्लेटी हेलमेंथस से लेके कोर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। सिमेट्री ध्यान रखिएगा कि इकाइनोडर्मेटिक एक्सेप्शन आ जाता है कि इकाइनोडर्मेटा लार्वल फॉर्म में होता है आपका बायलेटरल, और एडल्ट फॉर्म में होता है आपका रेडियल। क्वेश्चन देखिए आप, इसके अलावा क्लासिफिकेशन सेगमेंटेशन फॉर्म में भी होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा में, और नोटोकोड क्या होती है, नोटोकोड केवल कोर्डेटा में होती है। तो आप यहाँ क्वेश्चन देखिए, सी दिस क्वेश्चन, द फाइलम इन विच द एनिमल आर बायलेटरल सिमेट्री इन लार्वल, लार्वल फॉर्म में तो बायलेटरल होते हैं लेकिन एडल्ट फॉर्म में आने के बाद रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और ये कहाँ था कि जब लार्वा होता है इकाइनोडर्मेटा तो बायलेटरल शो करता है। मैंने क्या बताया था, प्लेटी हेलमेंथस से लेके कोर्डेटा तक सब बायलेटरल हैं, लेकिन इकाइनोडर्मेटा केवल लार्वल स्टेज में बायलेटरल है, अदरवाइज एडल्ट में वो रेडियल है। उसका एग्जाम्पल है आपका इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक है ये। सिलोमेट क्या बताया था, बॉडी, ये क्या है, बॉडी कैविटी, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी है, क्या होता है इसमें, मीसोडर्म से डिराइव होती है ना, एक्टोडर्म से नहीं होती, गलत। राउंड वर्म, राउंड वर्म किसका एग्जांपल है, सिलोमेट, सिलोमेट का मतलब होता ट्रू सिलोम लिखने की वजह ये सिलोमेट ही लिख देते हैं, ठीक है, तो ट्रू सिलोम लिखने की वजह सिलोमेट लिख देते हैं। तो क्या सिलोमेट जो है, ट्रू सिलोम जो है, राउंड वर्म उसका एग्जांपल है, नहीं, ये तो स्यूडोसिलोम का एग्जांपल है। फ्लैट वर्म किसका एग्जांपल है, टेप वर्म, फ्लैट वर्म, ये है
प्लेटी हेलमेंथस जो कि ए सिलोमेट है, तो ये भी गलत। अगर यहाँ पर आपका क्या होता, अगर यहाँ पर एनालिडा का क्या था अर्थफोम, अगर यहाँ पर आपका अर्थफोम होता कि सिलोमेट जो है उसका एग्जाम्पल अर्थफोम है तो करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर गलत गलत एग्जाम्पल है तो आपका ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। ठीक है, ये देखिए मैंने बताया था कि जहां पर भी आपको ये फाइंड आउट करना IDA, IDA किसके पीछे होगा, फैमिली जहां होगी, तो ये IDA ये होमिनिडिया क्या है, ये है फैमिली क्योंकि इसके पीछे IDA है, ये ट्रिक बताई थी मैंने। तो बी का हो गया आपका 5 और आर क्या यूकेरिया बैक्टीरिया क्या है डोमेन, ई का हो गया 2। इसी से आप आंसर नंबर 3 पे पहुंच जाओगे क्योंकि एक ही ऑप्शन में बी का 5 है। आगे देखिए नाइडेरियंस, नाइडेरियंस क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मोनो यानी एक ही जमलेयर, नहीं दो जमलेयर होते हैं इनमें, एसिमेट्रिक नहीं होते। नाइडेरियंस क्या होते, सिमेट्री मैंने क्या बताया था, पोरिफ्रा एसिमेट्रिक था और नाइडेरियन और टीनोफोरा क्या थे, ये रेडियल सिमेट्री को शो कर रहे थे, यानी कहीं से भी कट करो इक्वल हाफ में टूटेंगे। और प्लेटी हेलमेंथस से लेके कोर्डेटा तक क्या थे, बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहे थे। तो नाइडेरियन क्या है, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री नहीं है, तो नाइडेरियंस का कौन सा सही हो जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक आएंगे। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है, अब एक एक करके हम सारे के सारे फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पोरिफ्रा के बारे में, और यहाँ पर मैं क्या करवाऊंगी आपको, पहले पोरिफ्रा फिर नाइडेरिया, ठीक है, इनके करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी और फिर टीनोफोरा, तीन तीन करके फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पोरिफ्रा। पोरिफ्रा के पास में वॉटर कैनाल सिस्टम होता है, जैसे मैंने कहा था कि पोरिफ्रा में केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऐसे सेल होती है। तो पोरिफ्रा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरीके से ना, यहाँ पर ये वॉटर में रहता है तो वॉटर इससे एंटर करेगा, इसको बोलते हैं आप ओस्टिया, यहाँ से वॉटर एंटर किया और यहाँ से वॉटर बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं जिससे बाहर निकलता है ओस्क्यूलम। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, क्वेनोसाइट, क्वेनोसाइट या फिर पोलर सेल। घरों में आपने देखा होगा ना स्पॉन्जेस वगैरह से नहाते हैं लोग, तो स्पॉन्जेस जो है वो पोरिफ्रा का एग्जाम्पल स्पॉन्जेस है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉटर कैनाल सिस्टम होता है, क्वेनोसाइट पोलर सेल्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट यानी मेल और फीमेल एक ही में होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है, ओस्क्यूलम के थ्रू एग्जिट करता है। स्पॉन्जिला साइकोन यू स्पॉन्जिया एग्जाम्पल है, स्पॉन्जिया फ्रेश वाटर में रहता है, साइकोन को आप स्टाइफा भी बोलते हो, यू स्पॉन्जिया जो कि आप नहाने के लिए जो स्पॉन्ज यूज करते हो उसको यू स्पॉन्जिया कहते हो। नेक्स्ट है नाइडेरिया, नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा नाम से भी जाना जाता है। नाइडेरिया में नाइडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें जैसे मैंने यहाँ कहा था क्वेनोसाइट या पोलर सेल्स होते हैं, तो नाइडेरियंस में निमेटोसाइट या स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जैसे देख रहे हो आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ सेल्स होंगे। ये सेल्स क्या करते हैं, जैसे मान लो इनको भूख लगे, किसी भी इंसेक्ट को ऐसे पकड़ के खा लेंगे, चिपका लेंगे अपने से, है ना, जैसे कांटेदार सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग किसी को पकड़ लेंगे। तो नाइडेरियंस के पास में स्टिंगिंग या निमेटोसाइट सेल होते हैं, पोरस कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है पॉलीप्लॉइड और मेड्यूसा फॉर्म में। पॉलिप्स जो होते हैं ये एसेक्सुअल होते हैं और मेड्यूसा सेक्सुअल होता है और मोबाइल होता है। यहाँ पर ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलता है, मेटाजेनेसिस जिसको कहा जाता है, मेटाजेनेसिस क्या होता है, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन।
यानी कि पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप्स, ठीक है। एग्जाम्पल ओबिलियम। माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोस्टोम में, इस वाले रीजन में, ठीक है, इस वाले रीजन में। क्लासेस अगर बात करें तो हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, क्यूबोजोआ, ये इसके क्लासेस हैं। हाइड्रोजोआ जो होता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखने की, हाइड्रोजोआ एच, हाइड्रो यानी वॉटर, यानी ये क्या कर सकता है, ये फ्रेश वॉटर और मैराइन यानी साफ पानी में और सोल्टी पानी में दोनों में रह सकता है। हाइड्रो क्योंकि वॉटर से रिलेटेड, हाइड्रा तो दोनों पानी में रह सकता है, दोनों में रह सकता है। और साथ साथ में यहाँ पर एसेक्सुअल पॉलिप्स भी देखने को मिलता है और यहाँ पर जो है सेक्सुअल मेड्यूसा भी देखने को मिलता है विद वेलम, ठीक है। अकेले भी रह सकता है, कॉलोनी में भी रह सकता है। स्काइफोजोआ में क्या होता है, स्काइफोजोआ में जो है पॉलिप्स जो है एब्सेंट होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं पॉलिप्स, केवल मेड्यूसा होता है यहाँ पर, और ये अकेला रहना प्रेफर करेंगे। एस यानी सिंगल, एस यानी सोलिटरी, और केवल मैराइन, एस यानी सोल्ट, यानी मैराइन में रहना ही पसंद करेंगे, और पॉलिप्स एब्सेंट होते हैं, केवल मेड्यूसा होगा। एंथोजोआ में क्या होता है, एंथोजोआ केवल पॉलिप होगा, केवल क्या होगा, पॉलिप, पीए, केवल पॉलिप होगा, मेड्यूसा नहीं होगा। ये सोलिटरी और कॉलोनियल दोनों में रह सकते हैं, मैराइन वाटर में रहेंगे। क्यूबोजोआ, तो क्यूबो कहीं ना कहीं बेल शेप, कुछ बेल शेप, क्यूब, बेल शेप, ये शेप से रिलेटेड है। तो क्यूबोजोआ में मेड्यूसा बेल शेप का होता है और ये सोलिटरी और मैराइन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो साइसेलिया, हाइड्राइस का एग्जाम्पल है नाइडेरिया का, एडेमिसिया जिसका एग्जाम्पल सी एनिमनी है, ये भी एग्जाम्पल आपका नाइडेरिया का। अब मैं इसके क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको, नाइडेरिया से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर इन्होंने चार नाइडेरियन जो है वो ऑब्जर्व किए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किए। पहला क्या है, पहला है एसेक्सुअल पॉलिप्स एंड सेक्सुअल मेड्यूसा। तो ये दोनों तो आपके कहाँ प्रेजेंट थे, हाइड्रोजोआ में थे, दोनों कहाँ प्रेजेंट थे, हाइड्रोजोआ में। स्काइफोजोआ में जो था आपका केवल मेड्यूसा था, है ना, रिड्यूस्ड पॉलिप था। एंथ्रोजोआ में आपका केवल पॉलिप था, दोनों केवल और केवल हाइड्रोजोआ में थे, तो एक हाइड्रोजोआ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पॉलिप कम थे, रिड्यूस थे, और मेड्यूसा विद वेलम, सोलिटरी सिंगल रहना पसंद करता है, और ऑल मैराइन सोल्ट में रहना पसंद करता है, कौन था, स्काइफोजोआ। नेक्स्ट है बेल शेप, बेल शेप किस में बताया था मैंने, क्यूब यानी क्यूबोजोआ, ठीक है। बचा एक आपका नेक्स्ट कौन सा, एंथोजोआ। तो यहां पर ऑप्शन से मैच करोगे, ए का हाइड्रोजोआ, बी का स्काइफोजोआ, सी का क्यूबोजोआ, एंड डी का एंथोजोआ। नेक्स्ट ये देखिए, नेमेटोसाइट स्टिंगिंग सेल ए किसमें प्रेजेंट है, ये नाइडेरिया में। नाइडेरिया का एग्जांपल क्या था, हाइड्रा, सी एनिमनी, है ना, डायमसिया फैमिली से जो बिलोंग करता है। इसके अलावा क्लासेस एंथोजोआ, क्यूबोजोआ, ये सारी थी। तो पोरिफ्रा से तो है नहीं, पोरिफ्रा में तो कौन से सेल थे, पोलर सेल, क्वेनोसाइट जिनको कहा था। ये कहाँ है, नेमेटोसाइट एंथोजोआ, जो कि नाइडेरिया से बिलोंग करता है। या तो इसका ऑप्शन बी है या तो इसका ऑप्शन ए है ना। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर सी एनिमनी किसका एग्जाम्पल, नाइडेरियन का, और नाइडेरियन और सिलेंड्रेटा दोनों में कैंसा सिमेट्री होता है, रेडियल सिमेट्री। नाइडेरिया सिलेंड्रेटा और एडल्ट फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेटा, रेडियल सिमेट्री होता है। तो बी का सेकंड केवल एक ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर वन। क्लियर है, एक ही ऑप्शन से आप कहां पहुंच गए, करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। नेक्स्ट अब देखते हैं, पोरिफ्रा हो गया, नाइडेरिया हो गया, सिलेंड्रेटा के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बस सिलेंड्रेटा के बारे में एक चीज ध्यान रखना, चमकदार होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। तो सिलेंड्रेटा क्या होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटीहेल्मिंथस। प्लेटीहेल्मिंथस के एग्जांपल तो हम बता चुके हैं आपको, फ्लैट बोन, ठीक है, पी यानी प्लेन एरिया जिसमें रीजनरेशन हाई होता है, अपने डेब्बायो में पढ़ा होगा। टेप बोम जिसको आप टेनिया भी बोलते हो। अच्छा, टेप बोम के बारे में ध्यान रखना, ये सिस्टोडा फैमिली से बिलोंग करता है, किससे, सिस्टोडा फैमिली से,
सिस्टोडा फैमिली। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल आएगा फेसिकोला, यानी फ्लूक आएंगे इसमें मेनली। अब फ्लूक कई तरीके के होते हैं, मैं इनके एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, फ्लैट फॉर्म, प्लेन एरिया, टेप फॉर्म, टेनिया जिसको कहते हैं, सिस्टोडा फैमिली से बिलोंग करता है, लीवर फ्लूक, ये सारे प्लेटी हेलमेंथस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में देखिए फेसिकोला लीवर फ्लूक जो होता है इसको आप शीप लीवर फ्लूक भी कहते हो। इसके अलावा स्काइस्टोमा मैनसोनी ह्यूमन ब्लड फ्लूक, ये भी इसका एग्जाम्पल है। टेनिया टेपवॉर्म सिस्टोडा फैमिली से बिलोंग करता है, बता दिया। इखाइनोकोकस ग्रैनुलोसा डॉग टेपवॉर्म इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें देखिए कि प्लेटी हेलमेंथस में कौन से सेल होते हैं, जैसे कि पोरिफ्रा में था कोलर सेल, नाइडेरिया में कौन सा था निमेटोसाइट स्टिंगिंग सेल। प्लेटी हेलमेंथस में एक सेल ध्यान रखनी है, फ्लेम सेल, और ये फ्लेम सेल किसके लिए होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपने किडनी होती है ना, इनमें फ्लेम सेल होते हैं। फ्लेम सेल को यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है, जैसे नेफ्रॉन होते हैं ना आपकी किडनी में फंक्शनल यूनिट, तो ऐसे ध्यान रख लेना इनको प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर सोलिनोसाइट भी कहा जाता है। अब इससे क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं आपको, अगर कहीं मेरे को मिला तो। वेट, ये देखिए क्वेश्चन तो नहीं मिला लेकिन यहाँ पे मैच इन द फॉलोइंग में देख सकते हो। सिस्टोडा टेपवर्म कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, सिस्टोडा फैमिली से। ऑक्टोपस तो नहीं है, है ना, ऑक्टोपस सिस्टोडा फैमिली तो नहीं है। टेपवर्म है तो टेपवर्म सिस्टोडा फैमिली, जो कि आपका दो ही ऑप्शन में है, तो यानी या तो आपका ऑप्शन नंबर वन है या थर्ड है। क्लियर, सही है। आगे देखिए प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसको फ्लेम सेल मैंने बोला था, नेफ्रिडिया ये एक्सक्रीशन के लिए किसमें है, ये आपकी देखने को मिलती है प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस के एग्जांपल क्या है, प्लेन एरिया, फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक, चाहे वो मैनसोनी लीवर फ्लूक हो गया, मैन यानी ह्यूमन में पाई जाने वाली ह्यूमन लीवर फ्लूक हो गया, ठीक है, फेसिकोला लीवर फ्लूक हो गया, ये सारे एग्जाम्पल थे। तो यहाँ पर प्लेन एरिया भी इसका एग्जाम्पल था, तो यहाँ पर प्लेन एरिया इस ऑप्शन में है, और प्रोटोनेफ्रिडिया किसके लिए यूज होती है, एक्सक्रीशन के लिए, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट वापस आ जाते हैं, अब अपना कौन कौन सा हो गया, पोरिफ्रा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथस। अब बात करते हैं एस्केल हेलमिंथस, जिसमें कि मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, राउंड वॉर्म, क्या बताया था, राउंड वॉर्म, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्यूडोसिलोमेट। तो एस्केल हेलमिंथस को आप निमेथ हेलमिंथस के नाम से भी जानते हो, किसके नाम से, निमेथ हेलमिंथस के नाम से। एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म, जिसको एस्केरिस बोलते हो। निमेटोडा, सी एलिगन आपने पढ़ा है टेक्का में, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। रोटिफोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है वो है बुचनेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी, जो कि एलिफेंटसिस डिसीज कॉज कर देता है ह्यूमन में, फिलियल में, ये ध्यान रखना है, ये किससे बिलोंग करता है, एस्केल हेलमिंथस से बिलोंग करता है। एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हुकवॉर्म बोलते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए रेंटल सेल्स होते हैं, रेनेटे सेल्स, जैसे कि प्लेटी हेलमिंथस में फ्लेम सेल थे, यहाँ रेंटल सेल्स है। ये डायोशियस होते हैं, इनमें फीमेल जो है वो लार्जर होती है साइज में मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा गया मेरे को, क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया है ये क्वेश्चन, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि बुचनेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी क्या कॉज करता है, तो वो एलिफेंटसिस कॉज करता है, और ये एस्केल हेलमिंथस फाइलम से बिलोंग करता है। इससे रिलेटेड देख लेते हैं कोई पॉइंट अगर क्वेश्चंस में हो तो। ये देखिए रोटीफर, रोटीफर या राउंड वॉर्म, रोटीफर राउंड वॉर्म, ये किसका एग्जांपल है, एस्केल हेलमिंथस, निमेथ हेलमिंथस, और ये क्या है, ये आपका स्यूडोसिलोमेट है। समझ आया कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एस्केल हेलमिंथस के बाद आता है आपका एनेलिडा आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे इनसे रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड, ठीक है।
ऐसा करते हैं एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का तीनों पढ़ लेते हैं फिर इनके क्वेश्चन देखेंगे। तो एनेलिडा, एनेलिडा जो होता है इसमें पैरोपोडिया निरियस ये ट्रोपोफोर लार्वा इसमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है ये निरियस जो है ये एग्जाम्पल है एनेलिडा का। ट्रू सेगमेंटेशन होता है इनमें, इनमें एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया होता है जैसे कि प्लेटी हेलमिंथस में फ्लेम सेल था जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया कह रहे थे आप लोग, रेंटल सेल्स आपके एस्केल हेलमिंथस में थे, वैसे एनेलिडा में नेफ्रिडिया सेल होते हैं किसके लिए एक्सक्रीशन के लिए। और रेस्पायरेशन के लिए सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास सिटेलियम होता है। क्या होता है सिटेलियम। ये जो नेरिस है जो कि एग्जाम्पल आपका एनेलिडा का ये डायोशियस होता है। क्या होता है डायोशियस होता है। जबकि अर्थवर्म और लीच क्या होते हैं मोनेशियस होते हैं। अर्थवर्म भी किसका एग्जाम्पल है एनेलिडा का, लीच किसका एग्जाम्पल है एनेलिडा का। एग्जाम्पल क्या क्या है एनेलिडा के, नेरिस कौन से क्लास से बिलोंग करता है फाइलोकेटा। अर्थवर्म कौन, अर्थवर्म किससे बिलोंग करता है, अर्थवर्म जो है ये ओलिगोचिटा क्लास से बिलोंग करता है जिसको फेरेंटिमा भी कहोगे आप। इसके अलावा ब्लड सकिंग लीच आपका हिरुडेनेरिया फैमिली से बिलोंग, हिरुडेनेरिया क्लास से बिलोंग करता है। तो नेरिस फाइलोचेटा क्लास से, अर्थफॉर्म ओलिगोचेटा क्लास से और ब्लड सकिंग लीच हिरुडेनेरिया क्लास से बिलोंग करता है। ये सारे एनेलिडा के एग्जांपल हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओनकोफोरा ग्रुप जो होता है जो कि सब फाइलम पेरिप्टस से बिलोंग करेगा। कौन सा ग्रुप, ओनकोफोरा ग्रुप और सब फाइलम पेरिप्टेरा पेरिप्टस। ये क्या होता है, ये एनेलिडा और इसके बीच अगला कौन सा आता है आर्थ्रोपोडा, इनके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक के जैसा काम करता है वो सब फाइलम पेरिप्टस करता है। और इसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेट मी शो यू द क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ अभी। ये देखिए हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच किससे बिलोंग करता है हिरुडिनेरिया क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, कैलिसिरेटा से तो नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड कट जाएगा। इसमें कैलिसिरेटा लिख रखा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका कट गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया, आप ऑप्शन पर पहुंच गए, आपके आंसर पे पहुंच गए। मैंने क्या बताया हाइडनेरिया से बिलोंग करेगा लीच, सिस्टोडा टेपोम सिस्टोडा फैमिली से बिलोंग करता है और सीआरचिन आपका इकाइनोडर्मेटा है ना। तो ये आपको पता चल गया, आप ऑप्शन पर पहुंच गए। अच्छा रेडुला और सिटेलियम, तो इसमें हम लोग ने सिटेलियम पढ़ा अभी केवल। तो सिटेलियम जो है कहाँ पाया जाता है, सिटेलियम रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है आपका जो एनेलिडा में पाया जाता है। तो रेस्पेक्टिवली बताना है, तो पहले ये रेडुला किसका है हमें नहीं पता, लेकिन सिटुलम आपका एनेलिडा का है रेस्पेक्टिवली, यानी कि सिटुलम जो है एनेलिडा में पाया जाता है। तो आप ऑप्शन पर पहुंच गए। फाइलम ओनकोफोरा, तो फाइलम ओनकोफोरा मैंने क्या कहा, फाइलम ओनकोफोरा और सब फाइलम पेरिप्टस जो होता है ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक के जैसा काम करता है। तो ये एनेलिडियन और आर्थ्रोपोडा के बीच में काम करेगा। क्लियर है, सॉरी कनेक्टिंग लिंक के जैसा काम करेगा। तो सर्व एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड, नो नॉट एनेलिडा एंड मोलस्का, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और देखिए हिरुडेनिया लीच किसमें है, एनेलिडा में। क्या पूछा गया यहां पर, ये फॉर लीच एंड लॉबस्टर द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एंड क्लास रेस्पेक्टिवली। तो लीच जो है इसकी क्लास कौन सी है, हाइडनेरिया क्लास से बिलोंग कर रही है मैंने बताया था। तो लीच की ई जो है ई वाली क्लास है, ई वाली क्लास है। तो यहां पर देखिए जो ई ऑप्शन है हिरुडनेरिया ब्लड सकिंग लीच की है, लीच की क्या है क्लास है, तो ई क्लास है ये। और कौन से ऑप्शन में है, और किसी ऑप्शन में तो है नहीं, और लीच फाइलम है। ठीक है, आगे इसमें ये देखिए पेरिप्टस ग्रुप मैंने बताया था ओनकोफोरा फाइलम और सब फाइलम पेरिप्टस। ये क्या करता है, ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक के जैसा काम करता है। कैसा काम करता है, कनेक्टिंग लिंक के जैसा। और नेफ्रिडिया यहाँ पर एनेलिडा में पाया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जैसा। तो ये भी करेक्ट हो गया आपका। नेमेटोडा एनेलिडा में तो नहीं होता पेरिप्टस, आर्थ्रोपोडा मोलस्का में भी नहीं होता, नेमेटोडा आर्थ्रोपोडा में भी नहीं होता। एनेलिडा के बाद जो आर्थ्रोपोडा था उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक जो होता है वो सब फाइलम पेरिप्टस काम करता है जोड़ने का, और ओनकोफोरा फाइलम। ठीक है,
आई होप समझ में आ गया होगा कि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, जितने फाइलम हम पढ़ेंगे 2/3 स्पीसीज इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंसेक्ट इसमें आते हैं। टाइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, इनका बॉडी जो होता है हेड थोरेक्स एब्डोमेन में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल जैसे ड्रोसोफिला इंसेक्ट है, तो आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट आते हैं, तो उसका बॉडी हेड थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है। अपेंडेजेस जॉइंट होते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल यहाँ देखने को मिलता है। क्या मालफिजियन ट्यूब्यूल? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोडा बताऊं मैं आपको तो एपिस हनीबी, बॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। जो डिसीज कॉज करते हैं वो एनाफिलीज प्यूलेक्स और एड्स। जो पेस्ट के जैसा काम करेंगे वो लोकस्टा। लिविंग फॉसिल है ल्यूमिलस, जो कि किंग क्रैब है। क्या है? किंग क्रैब। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो ओनकोफोरा है सब फाइलम वो बिलोंग किसे करेगा? आर्थ्रोपोडा से, जो अभी बात करें जो कि कनेक्टिंग लिंक के जैसा काम करता है। और अभी मैंने क्या कहा? क्रैब है ना। लिविंग फॉसिकल क्या है? किंग क्रैब ल्यूमिलस। तो यहाँ पर जो है होर्सशू क्रैब जो होता है ना, ये चेलिसेरेटा ग्रुप से बिलोंग करता है। किसे? चेलिसेरेटा ग्रुप से बिलोंग करता है। क्या? होर्सशू क्रैब। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख सकते हो चेलिसेरेटा जो है, चेलिसेरेटा कैलिसेरेटा होर्सशू क्रैब किसे बिलोंग करेगा? कैलिसेरेटा ग्रुप से बिलोंग करेगा। ल्यूमिलस मैंने अभी आपको बताया कि किंग क्रैब, ठीक है। होर्सशू क्रैब बिलोंग टू कैलिसेरेटा ग्रुप, ठीक है। ये तो लार्वा से रिलेटेड क्वेश्चन है बाकी के। नेक्स्ट आपका आता है मोलेस्का। मोलेस्का जो होता है आर्थ्रोपोडा के बाद मोलेस्का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। गिल्स जो होते हैं गिल्स इन मेंटल, रेड्यूला इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है? रेड्यूला। क्या होगा? रेड्यूला। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था एनालिडा में सिटेलम था, तो मोलेस्का में होता है रेड्यूला। मोलेस्का में क्या होता है? मोलेस्का, मोलू पोलू सा नाम आ रहा है, रेड्यूला, यूला यूला है ना, मोलेस्का एल यू। तो रेड्यूला यहाँ पर होता है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ऑक्टोपस जो है मोलेस्का का एग्जाम्पल है। हेमोसाइन कॉपर रेस्पिरेटरी पिगमेंट के जैसा काम करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ एप्पल स्नेल और सी हेरी इसके एग्जाम्पल है। तो रेड्यूला क्या है? रेड्यूला जो है मोलेस्का में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। मैच कर रहा है ना, मोलेस्का रेड्यूला यूला एल यू है ना, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। एक हाइनल पिगमेंट का एग्जाम्पल आपका सीआरचिन आता है, एस्टेरिस आता है, एंटीडोन आता है, ओफ्यूरा आता है। इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो आपका रेडियल सिमेट्री शो करता है और एक्सक्रेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। तो अब इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, मोलेस्का और इकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड। सीआरचिन तो फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा इसका डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है ये। और हेमेकोडेटा में बस ये चीज ध्यान रखना, एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। एग्जाम्पल के लिए ब्लेनोग्लोसस और स्कोलोग्लोसस। तब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ये देखो रेड्यूला रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसमें? मोलेस्का में। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। आर्थ्रोपोडा क्या? ये सारे फाइलम है ना जो पढ़े हैं। तो जी क्या है? फाइलम है। ये देख जी आपका फाइलम है, ठीक है। ये वाला हो गया है, ये हो गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर रेडुला डी, डी किसमें है? डी आपका है मोलेस्का में। और मालफिजियन ट्यूब्यूल किसमें थे आपके? ये होते हैं आपके आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। बस क्लियर। इसके अलावा देखिए सीआरचिन किसका एग्जाम्पल है? सीआरचिन आपका इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये आपका क्लियर हो गया ये वाला। अब यहां पर कोर्डेटा के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। कोर्डेटा जो होते हैं इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। जैसे आपने में स्पाइनल कॉर्ड होगी तो नोटोकॉर्ड,
पीछे के साइड होगी, डोर्सल साइड होगी, गिल्स होंगे, वेंट्रल साइड में हार्ट होगा, पोस्ट एंड एनल टेल प्रेजेंट होगी। कॉर्डेटा को फर्दर डिवाइड किया गया यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये पहले पाए गए थे तो प्रोटोकॉर्डेटा इनको कहा जाता है, और वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, और सिफेलोफोरा में थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। जितने वर्टिब्रेट है सब कॉर्डेट है, ठीक है, सबके पास वर्टिब्रा होगा, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स के पास वर्टिब्रेट या वर्टिब्रा नहीं होगा। कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ये देख लिया हम लोगों ने। अब कुछ क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं। साइक्लोस्टोमा क्लास, कोएंड्रियोसाइट। साइक्लोस्टोमा क्लास क्या है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है, मैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आपको करवा देती हूँ। इससे रिलेटेड मेरे को ज्यादा क्वेश्चंस मिले नहीं है, ठीक है। मेन इंपोर्टेंट पोर्शन आपका आता है ये, लार्वा आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, लार्वा आपको याद करने पड़ेंगे। मैं इसके लिए लार्वा कैसे याद करना है, मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी 4 से 5 मिनट की, जिसमें ट्रिक बताई गई होंगी, तो उस ट्रिक से आप लोग इन लार्वल फॉर्म को याद कर सकते हो, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर नाइट एरिया, तो नाइट एरिया में क्या होता है, नाइट एरिया में प्लैन्यूला लार्वा, ये इंपॉर्टेंट है, प्लैन्यूला, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। किसमें पाया जाता है, सी एनीमनी में, किसमें, सी एनीमनी में, ये इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं बता रही हूँ एटलीस्ट वो तो याद कर लेना आप, प्लैन्यूला लार्वा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप याद करना प्लेटी हेलमिंथस में याद कर लेना हेक्साकेंथ, ठीक है, टेपवॉर्म में जो देखने को मिलता है। इसके अलावा एनालिडा में याद कर लेना ट्रोकोफोर लार्वा, ये तो मैंने आपको बताया भी है, नेरिस में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। आर्थ्रोपोडा में आप ध्यान रखना नेपुलस लार्वा, नेपुलस, मेटा नेपुलस, ये लार्वा किसमें है, ये आपके आर्थ्रोपोडा में, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मोलेस्का में ध्यान रखना ट्रोकोफोर लार्वा किसमें, मोलेस्का में, ये ध्यान रखिएगा। इकाइनोडर्मेटा में ये ध्यान रखिएगा बिपिनेरिया लार्वा कहाँ है, इकाइनोडर्मेटा में। हेमिकोडेटा में ध्यान रखिएगा, हेमिकोडेटा में इतना ध्यान रखना, कोडेटा में ध्यान रखिएगा क्या, एक्सोलोट, टेडापोल, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो जितने बताए एटलीस्ट ये ध्यान रख लीजिएगा कि नाइडेरिया में प्लैन्यूला लार्वा होता है, प्लेटी हेलमिंथस में हेक्साकेंथ लार्वा, एनलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा, आर्थ्रोपोडा में नेपुलस मेटा नेपुलस लार्वा, इकाइनोडर्मेटा में बिपिनेरिया, और कोडेटा में एक्सोलोट या टेडापोल। अब आप क्वेश्चन देखिए इससे कैसे पूछे जाते हैं, ये देखो लार्वल आपको बताना पोरीफ्रा में कैसा होता है, पोरीफ्रा में, नहीं तो जो क्वेश्चन में लार्वल है वो देख लेना। एक्सोलोट तो मैंने बताया कोडेटा में होता, भी बताया एक्सोलोट, ये तो होगा नहीं हमें कोर्डेट्स में, है ना। नाइडेरियन में होता है प्लैन्यूला इफायरा, ये करेक्ट है। देखो कौन कौन सी चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लैन्यूला और इफायरा, ये दोनों लार्वा ध्यान रखना, प्लैन्यूला इफायरा, जैसे पोलिप्स और मेड्यूसा था ना, वैसे प्लैन्यूला इफायरा जो है नाइडेरिया में पाए जाने वाला लार्वा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैरेन्काइमा और एम्फीब्लास्टुला पोरीफ्रा में पाया जाने वाला लार्वा है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिपिनेरिया और यूरिक्यूलेरिया, ये काइनोडर्मेटा में पाए जाते, ये ध्यान रखिएगा। ये दो दो एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, पोरीफ्रा में पैरेन्काइमा एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है, इकाइनोडर्मेटा में बिपिनेरिया यूरिक्यूलेरिया होता है, नाइडेरिया में प्लैन्यूला और इफायरा होता है, बाकी जो हेमिकोडेटा में एक्सोलोट नहीं होता, ये कोडेटा में होता है, ठीक है। अब देखिए, देखो एम्फीब्लास्टुला, ये देखो एम्फीब्लास्टुला पैरेन्काइमा पोरीफ्रा में है, तो ये क्या है, पोरीफ्रा में, तो ए का हो जाएगा आपका थर्ड। इसके बाद बिपिनेरिया, बिपिनेरिया और यूरिक्यूलेरा कहाँ है, इकाइनोडर्मेटा में, तो बिपिनेरिया कहाँ है, इकाइनोडर्मेटा, इसका हो जाएगा सेकंड। इसके बाद यहाँ पर न्यूपिलस, न्यूपिलस किस में है, न्यूपिलस होता है आपका आर्थ्रोपोडा में, न्यूपिलस किस में, आर्थ्रोपोडा में, न्यूपिलस आपका आर्थ्रोपोडा में। और ग्लोसीडियम, जैसे ऑक्टोपस मैंने कहा था ना मोलेस्का, ग्लोसी ग्लोसी आ रहा है वहां से, तो ये पाया जाता है मोलेस्का में, ठीक है। तो कौन कौन से लार्वा ध्यान रखने, मैं यहां पर लिखवा देती हूँ आप लोगों को एक बार, एटलीस्ट इतने तो ध्यान रख ही लोगे आप। एक तो ये पूरी जो टेबल है ना, ये बना लेना इस तरीके से कि पैरेन्काइमा एम्फीब्लास्टुला फाइलम पोरीफ्रा, ये ऑप्शन लिख लेना, जो जो मैंने हाईलाइट किया ये, ठीक है, बिपिनेरिया और यूरिक्यूलेरा, इसके अलावा
जो एक्सोलोट होता है ये कोडेटा में होता है, ये हेमिकोडेटा की जगह यहाँ कोडेटा कर लेना, हेमिकोडेटा नहीं कोडेटा में होता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका कोडेटा में होगा, नॉट इन हेमिकोडेटा। इसके अलावा क्या याद रखोगे, इसके अलावा इंपोर्टेंट है ये सारे, ठीक है, जो यहाँ लिखवा रही हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्लोसीडियम, इससे क्वेश्चन पूछा गया, दो बार क्वेश्चन पूछा गया इससे, ये 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया, ग्लोसीडियम लार्वा किसमें होता है, मोलेस्का में, ग्लोसीडियम लार्वा मोलेस्का का एग्जाम्पल है, फाइलम मोलेस्का। इसके अलावा न्यूपलस लार्वा, न्यूपलस लार्वा आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, आर्थ्रोपोडा जैसे बारनेकल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो यहाँ लिखा है ना लार्वा, ये याद रखिएगा, पैरेन्काइमा एम्फीब्लास्टुला पोरिफ्रा में, विपिनेरिया यूरिकुलेरा इकाइनोडर्मेटा में, और मैंने आपको नेरिस का लिखवाया था ना, नेरिस जो मैंने कहाँ लिखवाया था आपको, ये मैंने आपको एस्केल हेलमिंथस में लिखवाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी एनालिडा में। ये देखो यहाँ पर नोट्स में भी ऐड है, ये देखो एनालिडा में नेरिस जो है ट्रोकोफोर लार्वा है ना, तो एक बार और मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ, लार्वा पैरेन्काइमा एम्फीब्लास्टुला पोरिफ्रा में, पी पोरिफ्रा पी पैरेन्काइमा एम्फीब्लास्टुला, इकाइनोडर्मेटा में विपिनेरिया ओरिकुलेरा, नाइडेरिया में प्लैनुला इफायरा, मोलेस्का में ग्लोसिडियम, आर्थ्रोपोडा में न्यूपुलस। तो यहां पर मैं लिखवा देती हूँ लार्वा, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, लेट मी टेक वन ब्लैंक स्लाइड, इंपॉर्टेंट लार्वा लिखवा देते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। पोरिफेरा, पोरिफ्रा में कौन सा, पैरेन्काइमा एम्फीब्लास्टुला, इस तरफ है लार्वा, इस तरफ है फाइलम, ये है फाइलम, ये आपका है लार्वा। इसके अलावा फिर आता है आपका नाइडेरिया, नाइडेरिया में कौन सा था, नाइडेरिया में था आपका प्लैनुला इफायरा, फायरा। इसके अलावा था फिर आपका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में था जिसमें बारनेकल में न्यूपुलस लार्वा, एन ए यू पी एल आई यू एस, न्यूपुलस लार्वा। इसके अलावा और कौन सा था, एनालिडा में, एनालिडा में नेरिस में, नेरिस में ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा में था विपिनेरिया यूरिकुलेरा, क्यूलेरा और विपिनेरिया, किसमें था ये, इकाइनोडर्मेटा, सी आर चेन वाला जो था। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ग्लोसिडियम, ये आपका है मोलेस्का, ये याद रखिएगा, एटलीस्ट ये लार्वा आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका ऑलरेडी, कि एल्गी थैलोड है, ये पूरी टेबल इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइट थैलोड है, टेरिडोफाइटा में ट्रू रूट स्टेम लीफ देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में इनके साथ नेकेड सीड भी देखने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म फ्लावर बियरिंग है। एल्गी और ब्रायोफाइटा में मेन बॉडी हैप्लोइड होती है, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लोंटिक होती है, साथ के साथ में तीनों के तीनों स्पोरोफाइट होते हैं, साथ के साथ तीनों में वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि एल्गी ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइट होते हैं और वेस्कुलर सिस्टम इनमें एब्सेंट होते हैं, और गैमेटोफाइट होने की वजह से केवल गैमेट यहाँ फूड बनाते हैं, और टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइट होने की वजह से स्पोरोफाइट भी यहाँ पर फूड बनाते हैं।
एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा ब्रायोफाइटा का, लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट और मोसेस एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है आपका फर्न, जिम्नोस्पर्म का पाइन और एंजियोस्पर्म का ओक। पूरी टेबल इंपोर्टेंट है, इसी से घुमा फिरा के दो तीन क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, वेस्कुलर टिश्यू इंपोर्टेंट है, मेन बॉडी इंपोर्टेंट है और गैमेटोफाइटा या स्पोरोफाइटा ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये पूरी टेबल इंपोर्टेंट है। एल्गी तीन तरीके की होती है, क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया, ठीक है। क्लोरोफाइसिया यहाँ पर क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, फियोफाइसिया में क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजैंथिन होता है, फ्यूकोजैंथिन इसको ब्राउन कलर देता है। रोडोफाइसिया रेड कलर की होती है और फाइकोइराइथ्रिन और क्लोरोफिल ए डी होता है और फाइकोइराइथ्रिन को रेड कलर देता है। स्टोरेज फॉर्म जो है क्लोरोफाइसिया में स्टार्च और ऑयल होता है, फियोफाइसिया में लैमिनिन और मैनिटोल होता है और रोडोफाइसिया में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट और कौन सा है यहाँ पर पॉइंट, एटलीस्ट इतने तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये देखो एन एल्गे हैविंग क्लोरोफिल ए, फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें है? स्टोरेज फॉर्म रोडोफाइसिया में है, किसमें? रोडोफाइसिया में। फियोफाइसिया में क्या था? लैमिनेरियन था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये पूरी टेबल देखो, लैमिनेरियन मैनिटोल फियोफाइसिया में स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। रोडोफाइसिया में स्टोरेज फॉर्म है फ्लोरिडियन स्टार्च, क्लोरोफाइसिया में है स्टार्च, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद में यहाँ पर ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ये थैलस होते हैं, ये सारी चीज मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। टेरिडोफाइटा, चलो इसका मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, वेट, ये तो आप ध्यान रख लोगे। अब रोडोफाइसिया में स्टोरेज फॉर्म क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, फियोफाइसिया में होता है लैमिनेरियन, ठीक है। इस तरीके से मैच कर लेना, तो यहाँ पर डी का हो जाएगा आपका सेकंड, डी का सेकंड हो गया और सी का आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, और यहाँ पर जैंथो में होता है आपका क्या? जैंथो में होता है ऑयल, जैंथोफाइसिया में ऑयल, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी देखिए स्टोरेज फॉर्म, यहाँ पर लैमिनेरियन, लैमिनेरियन किस में था? फियोफाइसिया में, तो यहाँ पर फियोफाइसिया हो जाएगा सी, तो सी देखिए फियोफाइसिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका फियोफाइसिया किसमें है? फियोफाइसिया आपका इसमें है। और क्लोरोफिल कौन सी होती है? क्लोरोफिल, यहाँ क्लोरोफिल ए और सी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फियोफाइसिया में क्लोरोफिल ए और सी होती है और यहाँ पर क्या होता है? लैमिनेरियन स्टार्च होता है। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा के जो एग्जाम्पल पढ़े थे हमने, लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट, मोसेस, तो उसमें देखिए स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज होती है ना। स्पोरोफाइट में अगर बात करें हम लोग, तो स्पोरोफाइट में स्टोमेटा जो है ये क्या है? लिवरवॉर्ट, मोसेस, हॉर्नवॉर्ट, ये ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल है जो मैंने अभी बताया। ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल लिवरवॉर्ट, मोसेस, हॉर्नवॉर्ट होते हैं। इसके बाद में टेरिडोफाइटा का फर्न होता है, एंजियोस्पर्म का ओक होता है, जिम्नोस्पर्म का पाइंस होता है। तो यहाँ पर जो ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल है लिवरवॉर्ट, मोसेस, हॉर्नवॉर्ट, तो स्पोरोफाइटल कंडीशन में स्टोमेटा लिवरवॉर्ट में एब्सेंट होता है, मोसेस में प्रेजेंट होता है, हॉर्नवॉर्ट में प्रेजेंट होता है। मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं, जिनको पूरा टेबल देखना हो पूरा टेबल भी देख सकते हो। लिवरवॉर्ट को मार्केंटोफाइटा कहते हैं, मोसेस को ब्रायोफाइट ही कहेंगे, हॉर्नवॉर्ट को एंथरोसाइटोफाइटा कहेंगे। तो गैमेटोफाइट स्टेज में, गैमेटोफाइट स्टेज में राइजोइड जो होते हैं लिवरवॉर्ट में यूनिसेल्युलर होते हैं, मोसेस में मल्टी सेल्युलर या प्लूरी सेल्युलर होंगे और हॉर्नवॉर्ट में यूनिसेल्युलर होंगे। गैमेटो स्टेज अगर बात करें तो लिवरवॉर्ट में सुपरफिशियल होगा, मोसेस में सुपरफिशियल होगा और हॉर्नवॉर्ट में इमर्ज्ड होगा। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका 2021 में फैब में पूछा गया, फैब 2022 में। देखो लिवरवॉर्ट मैंने क्या कहा, लिवरवॉर्ट स्पोरोफाइट कंडीशन में स्टोमेटा लिवरवॉर्ट में एब्सेंट है, मोसेस हॉर्नवॉर्ट में प्रेजेंट है। तो स्पोरोफाइट कंडीशन में जो स्टोमेटा है लिवरवॉर्ट में तो एब्सेंट है, इधर तो है नहीं, लेकिन मोसेस में है। तो मोसेस का एक ऑप्शन तो हो जाएगा बी का, कि इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना, इधर से पता चल गया हमें कि लिवरवॉर्ट में तो एब्सेंट होता है। आगे देखिए गैमेटोफाइट स्टेज में लिवरवॉर्ट यूनिसेल्युलर होगा और हॉर्नवॉर्ट भी यूनिसेल्युलर, मोसेस होगा प्लूरीसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर। तो लिवरवॉर्ट में जो राइजोइड है वो यूनिसेल्युलर है, लिवरवॉर्ट में यूनिसेल्युलर राइजोइड है, तो लिवरवॉर्ट का ऑप्शन नंबर वन मैच कर रहा है। मोसेस में मल्टीसेल्युलर राइजोइड है, तो मोसेस में ऑप्शन नंबर टू भी मैच कर रहा है। गैमेटोफाइट के बारे में अगर बात करें तो यहां पर जो है गैमेटोफाइट दोनों में ही है, ठीक है।
तो यानी कि लीवर वोर्ट में डोमिनेंट गैमेटोफाइट है, तो यहां पर ए का जो है फिफ्थ भी हो जाएगा और ये फिफ्थ इसमें भी आएगा, तो ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसमें से ये टेबल याद रखिएगा और ये वाली टेबल याद रखिएगा, ठीक है, प्लांट किंगडम में से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जेनेटिक्स के वन शॉट के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।